नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए लेके आ गई हूँ एक और व्लॉग जो कि है विशाल मेगा मार्ट का। ये देखो पीछे कौन आ रहा है, आए हाय। तो चलो आज मैं आपको लेके चलती हूँ विशाल मेगा मार्ट। सोचा कि कुछ सोच रही हूँ कि कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं शादीपुर के विशाल मेगा मार्ट और देखते हैं वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ नहीं मिलता है जो आपके विशाल में नहीं मिलता। तो चलिए बाकी बातें करते हैं चलते चलते। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो। हेलो, मैंने अभी आपको नेल्स दिखाए तो आप सोच रहे हो इसमें क्या खास बात है, नेल्स ही तो है। नहीं, ये नेल एक्सटेंशन है जो कि मैंने खुद से किया हुआ है, वो भी हैंड टिप्स वाले नेल टिप्स के नेल में यूज़ किया हुआ है। इसका फुल डिटेल वीडियो ट्यूटोरियल मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, अगर नहीं देखा तो वहाँ जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। मेट्रो स्टेशन पे तो मैं आपको शादीपुर जाने का रास्ता बता देती हूँ। हम लोगों को लेनी है ब्लू लाइन, शादीपुर का स्टेशन है वहाँ, और उसके उतरते ही बस जस्ट रोड के उस तरफ, मतलब हम मेट्रो से उसी गेट पे एग्जिट होता है जहाँ पे शादीपुर पड़ता है। तो शादीपुर और जूडियो दोनों आसपास ही हैं। पहले जूडियो आता है, फिर दो कदम चल के आ जाता है शादीपुर। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। और ये सामने हमारी मेट्रो आ चुकी है, तो चलिए। आपको क्या लगा, फोटो खींच रही हूँ? तो जी, मेट्रो से एग्जिट कर लिया है और जूडियो से जस्ट आगे ही चलेंगे तो आ जाएगा विशाल मेगा मार्ट, जो मेट्रो से भी दिखाई देता है। तो अंदर हम लेंगे एंट्री, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा बना है, नया ही बना है यहाँ पे। तो ये सबसे पहले हम चले आए हैं ग्राउंड फ्लोर में, जो कि है गर्ल्स सेक्शन और थोड़ा सा हाउस होल्ड सेक्शन। तो यहाँ पे ये 399 की स्कर्ट्स मिल रही थी, कुर्ती सेट्स मिल रहे थे बाय टू गेट रुपीज़ 150 ऑफ। एक कुर्ती का रेट था 600 रुपीज़, पूरा सेट था ये। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा सा माहौल था, काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पे। शूज़ सैंडल्स भी थे, पर्सनली मुझे सैंडल्स इतने अच्छे नहीं लगे, बट हाँ कईयों को पसंद भी आ सकता है, मेरे को नहीं आए। और यहाँ स्लीपर्स काफ़ी सारे थे जो मुझे पसंद आए, जो डेली वेयर के लिए जो होते हैं फैंसी वाले भी कह सकते हैं, वो भी काफ़ी सारे थे। यहाँ टोट बैग, इस तरह के शॉपिंग बैग काफ़ी सारे थे, आप ट्रैवल बैग काफ़ी सारे थे, बच्चों का सामान था। यहाँ शूज़ थे 300 रुपीज़ के जो ठीक थे, और यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे कॉम सेट था, बाबीला का कॉम सेट था। ये सेट काफ़ी अच्छे होते हैं और सही रहते हैं। और ये मैं यहाँ पे अपना थोबड़ा चमकाती हुई, ये देखिए इस तरह के जो स्लीपर्स थे ये भी काफ़ी सही थे, 200 के, 150 के, 300 के, इस तरह के अलग अलग रेंज में यहाँ पे मिल रहे थे। यहाँ पे टॉप जो कि थे बाय वन गेट वन फ्री, 299 के टॉप थे, 399 के टॉप थे, मिक्स टॉप थे। यहाँ पे इस तरह की कॉलर वाली टी शर्ट ये बाय थ्री गेट वन फ्री था। यहाँ पे थी इस तरह की जीन्स अलग अलग कलर्स की, डार्क ब्लू, ग्रे, ब्लैक, लाइट ब्लू, अलग अलग वैरायटी भी थी यहाँ, लाइक बेल बॉटम, स्ट्रेट कट। तो मैंने भी वहाँ से कुछ लिया, तो मैंने भी वहाँ से इस तरह की लाइट ब्लू जीन्स ली, नीचे से कुछ ऐसे कट कट था, ये था काफ़ी सही। 400 की ये जीन्स थी लाइट ब्लू कलर, एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही शॉपिंग करके आई थी, डार्क ब्लू ब्लैक कलर मैंने ले लिए थे, चाहिए था मुझे लाइट ब्लू, तो मैं सोचा क्यों ना ये लाइट ब्लू का ही लिया जाए।
अब बढ़ते हैं थोड़ा और बैग की तरफ। यहाँ पे काफ़ी सारे बैग थे, बैकपैक थे, टोट बैग्स थे। अब हम चले आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जो कि था किड्स वेयर। यहाँ पे किड्स का, स्टेशनरी का, कपड़ों का एक काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन था, लेकिन हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी तो हम नहीं गए। हम चले गए सीधा अपने सेकंड फ्लोर जो कि था बॉयज़ का। यहाँ पे 99 के सर के हाफ वाली बनियान मिल रही थी। ये देखिए यहाँ फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ है, इन्होंने चार्ट बना के रखा था प्रॉपर, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। आप जाके देख सकते हो जिस फ्लोर पे वहाँ रेड हो जाता था। ओके, तो अब यहाँ पर टी शर्ट्स मिल रही थी 200, 199 की मिल रही थी, 200 यानी कि, और 300, 400 वेराइटी ऑफ टी शर्ट थी, कॉलर वाली, गोल वाली, अलग अलग तरह की थी, सस्ती वाली भी थी वहाँ पे। और आप जाके अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल अपने हिसाब की मिल जाएगी। यहाँ पे हाफ बाजू स्लीव, हाफ स्लीव्स के शर्ट थे, फुल स्लीव के शर्ट थे। ये शर्ट 300 के थे, 299 के थे, यानी 300 हो गया गाइज। इस तरह का सेट था 599 का, आप अलग से भी ले सकते हो, अपना मैचिंग खुद कर सकते हो। यहाँ फॉर्मल ट्राउजर थे अलग अलग रेंज के, 499, 399, 849 और 700। थर्ड फ्लोर जो था वो ग्रोसरी का था, जो कि मैं कवर नहीं कर पाई क्योंकि काफी लेट हो चुका था और मैं काफी थक चुकी थी। शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए हैं हम अपने स्थान पे, मतलब अपने इलाके में, और अब हम जा रहे हैं घर। थोड़ा सा बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। और इसके आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल हो गई है लुल, मतलब ख़त्म। 10% से भी ज़्यादा कम की बैटरी बची है और मुझे घर जाके इसको फटाफट चार्ज पर लगाऊंगी। और आज भी एक वीडियो अपलोड होने वाली है DIY फिटनेस एक्सटेंशन की, वो देख लेना जाके ज़रूर, जो मैं आज दोपहर को बात कर रही थी। तो वीडियो की एंडिंग है यहीं पे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या क्या लिया है ना, उसका एक हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया वहाँ से, ठीक है। क्योंकि इस वाली में ही मैं ऐड करना चाहती थी पर बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जाके बनाना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि बज गए हैं 9:15, काफ़ी टाइम हो गया अभी घर जाते जाते, मतलब 10 ही बज जाएंगे। इसीलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बहुत शोर आ रहा है। तो राधे राधे, टेक केयर, बाय।